सुजीत मुंडा को आज जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार दिया गया है, सम्मान दिया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं रितेश उरांव, देख सकते हैं कि साथ में खड़े हैं। और ये सम्मान पत्र सुजीत मुंडा के हाथ में है, इसमें लिखा है कि जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न 2022 इज प्रेजेंटेड टू मिस्टर सुजीत मुंडा फॉर योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन क्रिकेट। जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न 2022 श्री सुजीत मुंडा को क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नीचे आप देखिए रामेश्वर उरांव और रितेश उरांव जो अध्यक्ष हैं बगल में खड़े हैं, उनका सिग्नेचर है। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के हाथों सुजीत मुंडा को ये पुरस्कार मिला है। सुजीत काफी खुश हैं। सुजीत खुश है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है सर, क्योंकि ये पाने के लिए हमने जो है वो अपने देश को वर्ल्ड कप जिताया, तब मुझे ये मिला, तो मुझे बहुत खुशी है। आगे और खेलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे अच्छा मेरा प्रदर्शन इससे भी अच्छा होगा और फिर देश ओडीआई वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। तो बिल्कुल देखिए, एकदम हौसला जो है बुलंद है सुजीत का, और ये प्रमाण पत्र है उनके हाथ में, और ये जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा है। क्या बोलेंगे रितेश जी आप? मैं सुजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं मांग करूंगा सरकार से कि जो भी इनके पास कमी है, घर नहीं है और अपना घर चलाने के लिए किसी प्रकार कोई साधन नहीं है, तो जल्द से जल्द सरकार इस पर पहल करे। और मैं भी उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से यह सरकार से मांग करूंगा और बहुत जल्द इस विषय पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करूंगा। तो बिल्कुल देखिए, खिलाड़ी जो है वो सम्मान का भूखा रहता है और वो सम्मान जो है लगातार सुजीत मुंडा को वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिल रहा है, लेकिन सम्मान के साथ साथ घर परिवार और पेट चलाने के लिए बहुत सी जरूरतें होती हैं, और उसी को लेकर सुजीत चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलें और जो वादा मुख्यमंत्री ने सुजीत मुंडा से किया था वो उसे पूरा करें। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री मिलेंगे और सुजीत मुंडा को वादे के तहत जमीन और घर दें, ताकि अभी जो ये मौसीवाड़ी में HEC के जमीन पर रह रहे हैं वहां न रहकर अपने घर पर अपने जमीन पे रहें। सुजीत मुंडा के साथ उनकी बेटी है आराधना भी आई हुई है। आए पापा के साथ आए हैं? हाँ। क्या मिला पापा को? अवार्ड मिला। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।